हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे एकदम चटपटा सा टेस्टी सा नाश्ता जिसे हम कच्चे आलू से बनाने वाले हैं तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं तो ये दो आलू हमने ले लिए तो छिलके उतार के और हमने इसने पानी में ही डुबो के रख दिया था तो अभी इन्हें साइड में कर लेते हैं उसके बाद हमने प्लेटर लिया है और एक ग्रेटर लिया है तो इसको क्या करेंगे ग्रेट कर लेंगे आलू को तो मीडियम वाला जो जाली वाला कद्दूकस होता है उससे ही हम कद्दूकस करेंगे इसको तो ये आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही आलू हमें चाहिए तो पूरे दोनों आलूओं को कदकस कर लेंगे तो ये आप देखिए दोनों आलूओं को कर दिया है कदूकस फिर हम क्या करेंगे एक बाउल ले लेंगे ले और इसे आलू को बाउल में डाल लेंगे ले। उसके बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे तो हमने धो लिया है इसको उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरा बाउल ले लेंगे ले ले और इसको ऐसे उठाते हुए और दोनों हाथों में अच्छे से दबा लेंगे इसको ताकि इसका जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए तो बिल्कुल भी पानी नहीं रखेंगे हम इसमें तो ये आप देखिए बिल्कुल सूखे सूखे से लच्छे हैं तो ऐसे ही हम सारे आलू को कर दिए हैं उसके बाद एक प्याज को हमने ऐसे ही लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था तो उसको हम डाल देंगे तो इसके लच्छे हमने पूरे खोल दिए थे प्याज के उसके बाद दो हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें कट करके तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से मिर्ची डालिएगा थोड़ा सा हम इसमें अजवाइन डाल लेंगे और थोड़ा सा आधी चम्मच जीरा डाल लेंगे छोटी चम्मच है आधी चम्मच ही हम लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे और एक चुटकी हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा हमारे नाश्ते का उसके बाद आधी चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे और आधी चम्मच ये चाट मसाला है तो चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर या नींबू का रस आप डाल दीजिएगा और नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसाले डालें ये एक एक लच्छे पे बढ़िया से लग जाएं तो ऐसे करके और प्याज के भी बढ़िया सा प्याज भी मिक्स हो जाए इसमें आलू में और जितना भी पानी इसमें निकलेगा वो हमें पता चल जाएगा पहले ही तो थोड़ा इसे बढ़िया सा मसलते हुए थोड़ा सा हम धनिया की पत्तियों को भूल गए थे तो उसे भी डाल देंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे इसमें तो ऐसे करके नमक डाल दिया है तो आलू और प्याज में काफ़ी सारा पानी हो जाता है तो इसलिए नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे दो बड़े चम्मच इसमें तो ये बेसन डाल दिया है हमने तो दो चम्मच हम चावल का आटा डाल देंगे तो अगर आप चाहे तो पूरे बेसन से इसे बना सकते हैं तो दो चम्मच बेसन और दो चम्मच चावल का आटा तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ऐसे करके ताकि आलू में और प्याज में ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो ऐसे करके आप चाहे तो हाथ से इसे बढ़िया सा करके मिक्स कर सकते हैं तो ऐसे ही उलट उलट पलट के और अभी हम बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालेंगे तो अभी थोड़ा सा पता चल गया है कि कितना पानी इसमें चाहिए तो अब थोड़ा थोड़ा करके ही हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे करके और बढ़िया सा इसे मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा गीला भी नहीं करेंगे इसको ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो बिल्कुल ये आप देखिए तो बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए तो दो तीन चम्मच पानी हमने इसमें डाले हैं तो इसको रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं तो ये हमने चार ब्रेड ले लिए हैं तो इस ब्रेड को साइड में कर लेते हैं और हमने एक ब्रेड का पीस ले लिया है तो इसको क्या करेंगे चाकू से हम कट कर लेंगे ऐसे करके तो ये चाकू से ऐसे करके और एक ब्रेड के हम चार चार पीस कर रहे हैं तो आप चाहें तो दो ही पीस में इसे बना सकते हैं तो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं तो ये आप देखिए बढ़िया से चार पीस हो गए हैं तो ऐसे ही हम सारी ब्रेड का कर लेते हैं तो ये सारी ब्रेड को हमने कट कर लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने ये घोल बनाया था इसको ले लेंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो ये बढ़िया सा घोल हमारा तैयार है उसके बाद एक एक पीस ब्रेड के ले लेंगे और इसको बढ़िया सा इसमें लपेट लेंगे तो चम्मच को हटा देते हैं और हाथों से ही इसको ऐसे करके और बढ़िया सा इस पर लगा देंगे चारों तरफ से तो पलट लेते हैं पलट के भी हम ऐसे ही इसको लगा लेंगे तो ये आप देखिए तो अच्छे से इसको ऐसे करके जहाँ जहाँ पे ना हो वहाँ पे हम बढ़िया सा इसे कोटिंग कर लेंगे ऐसे करके और इसके ये आप देखिए बढ़िया सा बन के तैयार हो गया तो ऐसे ही बना लेंगे सारे तो ये चार बना के हमने तैयार कर दिए तो चलते हैं गैस की तरफ तो गैस में हमने तेल गरम करने रख दिया था पहले ही तो एक एक करके और इसमें डाल देते हैं तो वैसे भी इसमें चार चार ही बनने हैं तो हम ऐसे ही करके पूरे बना लेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा गरम तेल इसमें डाल देंगे और एकदम से इसे पलटेंगे नहीं थोड़ी देर बनने के बाद ही हम इसको पलटेंगे थोड़ा सा हल्का सा बढ़िया सा कलर आ जाएगा तभी पलटेंगे तो ये आप देखिए थोड़ी देर बनने के बाद हम इसे पलट लेते हैं तो ये आप देखिए कितना बढ़िया सा कलर इसमें आ गया है तो ऐसे ही करके और दो चार बार हम इसे ऐसे ही पलटेंगे तो बहुत ही करारे से बन जाएंगे ये तो कभी भी हल्की फुल्की भूख हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर बच्चों को कुछ बाहर का खाना हो तो फिर आप घर पे ही बना के बच्चों को खिलाइएगा क्योंकि आजकल काफ़ी सारी गर्मियाँ हैं तो बाहर का वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए तो घर में आप ऐसे करके बना के बच्चों को खिला सकते हैं ये आप देखिए कितने करारे से हो गए हैं और एकदम टेस्टी लगते हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो इसे थोड़ा सा रोक लेंगे जो भी तेल होगा तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है ये थोड़ा देर साइड में रोक देंगे तो सारा ऑयल निकल जाएगा और ऐसे ही करके रोकते हुए सबको निकाल लेते हैं और बाकी जो बने हुए बचे हुए हैं वो भी हम ऐसे ही बना लेंगे तो ये आप देखिए तो ये पूरा नाश्ता बन के हमारा तैयार हो गया है तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो वो ज़रूर बताइएगा तो ये आप देखिए कितना टेस्टी सा लग रहा है तो इसको सॉस या चटनी के साथ या फिर ऐसे ही भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा थैंक यू